दिल्ली में बड़े बिल्डर एस ग्रुप के अजय चौधरी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। नोएडा, दिल्ली, आगरा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं अजय चौधरी। कानपुर में रेड के दौरान मिला था सुराग। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई प्रोजेक्ट। नोएडा के 126 सेक्टर में एस ग्रुप के कॉरपोरेट ऑफिस में भी छापे। आयकर विभाग के 14 सदस्यों की टीम कर रही है कार्रवाई। सभी स्टाफ के मोबाइल सीज। बिल्डर अजय चौधरी के बागपत के ठिकाने पर भी रेड की गई। खेकड़ा थाना इलाके में अजय चौधरी के फार्म हाउस पर छापेमारी जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को आइसोलेट किया। केजरीवाल को मामूली लक्षण। केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद के कोरोना होने की जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों के दौरान अपने संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने और आइसोलेट रहने को कहा। केजरीवाल को कोरोना के बाद आज की डीडीएमए की बैठक पर सस्पेंड। बैठक में रेड अलर्ट समेत और पाबंदी लगाने पर होगी चर्चा। दिल्ली सरकार के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक सबसे सख्त लेवल 4 लागू करने पर लगता है रेड अलर्ट। मेट्रो, सरकारी दफ्तर समेत गैर जरूरी सामान की दुकानें होंगी बंद। देश में एक दिन में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए केस, 124 मौत। पॉजिटिविटी रेट 3.24% तक पहुंची। देश में ओमिक्रॉन के कुल केस बढ़कर अब 1892 तक पहुंचे। महाराष्ट्र में 568 और दिल्ली में 382 केस। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव। हल्का बुखार और सर्दी के लक्षण, घर में खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में कोरोना की हाई स्पीड जारी। 24 घंटे में 4100 से मात्र एक कम केस, एक शख्स की गई जान। दिल्ली की ओखला मंडी से आई भारी लापरवाही की तस्वीर। बिना मास्क के मंडी में खरीदारी करते दिखे लोग। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 12,160 नए केस, 14 लोगों की मौत। पॉजिटिविटी रेट करीब 10%। मुंबई में एक हफ्ते में 10 गुना बढ़े हैं केस। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस, 2 की मौत। गोवा पहुंचे कौडिल्या क्रूज में स्टाफ समेत 66 लोग कोरोना पॉजिटिव। शिप से किसी के उतरने को इजाजत नहीं। कोरोना विस्फोट के बाद गोवा से वापस मुंबई भेजा गया कौडिल्या क्रूज शिप। लक्षद्वीप जाने वाला था। बीएमसी ने मुंबई में 31 जनवरी तक बंद किए 1 से 9वीं तक के स्कूल। 10वीं से 12वीं तक के लिए खुली रहेंगी क्लास। बीएमसी ने मुंबई के हाई राइज सोसाइटी और बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए बदले नियम। अब 20% फ्लैट में कोरोना केस मिलने पर पूरी इमारत सील होगी। मौजूदा नियम के मुताबिक 5 से ज्यादा केस मिलने पर पूरी इमारत होती है सील। 5 केसेस मिलने पर इमारत के फ्लोर को किया जाता था सील। कोरोना मामले बढ़ने के बाद पंजाब में लगा नाइट कर्फ्यू। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। पंजाब में बंद किए गए जिम, सरकारी और निजी दफ्तरों में केवल पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमति। भारी भीड़ उमड़ने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन और चंडीगढ़ बर्ड पार्क को किया बंद। सुखना झील को पहले ही किया जा चुका है बंद। बंगाल में कोरोना केसेस और पॉजिटिविटी रेट के डराने वाले आंकड़े। 6,000 से ज्यादा संक्रमित, पॉजिटिविटी रेट 19.59%। आईआईटी खड़गपुर में 31 छात्र और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए। छात्रों को कैंपस के सर आशुतोष मुखर्जी हॉल में आइसोलेट किया गया। कोलकाता में लोकल ट्रेन की सर्विस बढ़ाने के बाद विधाननगर स्टेशन पर नजर आई भारी भीड़। रात 10 बजे तक बढ़ाया गया ट्रेन का समय। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 572 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब भी 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगरा फोर्ट और ताजमहल के टिकट काउंटर बंद किए गए। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर दूसरे दिन भी जारी है टीकाकरण। बीएमसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर टीका लगवाने पहुंचे टीचर्स। वैक्सीनेशन के बाद उत्साहित हैं बच्चे। वैक्सीनेशन को लेकर 15 से 18 साल के बच्चों में उत्साह। पहले दिन 41 लाख बच्चों को लगी वैक्सीन। कोविन ऐप पर अब तक 54 लाख रजिस्ट्रेशन। केंद्र कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर फिर लगी रोक का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी भीड़। स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतारें। कोरोना के कारण कम की गई यात्रियों की संख्या। पटना के एनएमसीएच में और 72 डॉक्टर पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। अब तक 168 मेडिकल छात्र और डॉक्टर पाए गए हैं संक्रमित। बिहार में कोरोना के हालात पर आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे हाई लेवल बैठक। राज्य में लग सकता है और प्रतिबंध। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव। पत्नी, बेटी और स्टाफ सहित 18 लोग संक्रमित। प्रियंका गांधी के परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। प्रियंका की रिपोर्ट आई नेगेटिव। गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। झारखंड में शैक्षणिक संस्थान, जिम, बार और जू अगले आदेश तक बंद। रात 8 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ 88% तक कारगर है। यूके की स्टडी में खुलासा। अमेरिका में कोरोना के 185,000 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 162 लोगों की जान गई। पीएम मोदी आज त्रिपुरा और मणिपुर का करेंगे दौरा। दोनों राज्यों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन करेंगे पीएम। दो अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज सहारनपुर के देवबन जाएंगे। एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। आज अलीगढ़ के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं और शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी ने राहुल गांधी को बताया एक्सीडेंटल हिंदू। कहा, राहुल के पूर्वज कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू। सीएम योगी ने जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। बोले कि सोमनाथ मंदिर नहीं बनवाया, कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाई।
कांग्रेस का पलटवार, सीएम आदित्यनाथ को बताया एक्सीडेंटल योगी। रणदीप सुरजेवाला बोले केसरिया रंग का अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव का अजीब गरीब बयान, कहा कि हर रात मेरे सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं समाजवादी सरकार बनने जा रही। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यूपी के सीएम योगी पूरी तरह फेल, बाहर से आ रहे लोग भी नहीं करा सकते पास। महाराष्ट्र की तरह गोवा में भी गठबंधन बनाने में जुटी है शिवसेना। संजय राउत ने गोवा में कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर की संजय राउत से बातचीत को बताया सकारात्मक, कहा जो पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए गंभीर उन्हें ही गठबंधन में करेंगे शामिल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जोड़ तोड़ की राजनीति का डर, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बुलाए अपने सभी 14 पार्षद, कांग्रेस ने अपने पार्षद को भेजा जयपुर। उत्तराखंड कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से देहरादून में की मुलाकात, बीजेपी ने जाने की अटकलें। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में कैंडल लाइट रैली, हैदराबाद में शाम 5 बजे रैली में शामिल होंगे जेपी नड्डा। बंडी संजय की गिरफ्तारी का विरोध। अमेठी में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, विपक्ष पर किया करारा प्रहार। स्मृति ईरानी ने कहा कि हाथ और साइकिल ने हाथी पर चढ़कर अमेठी के सपनों का तिरस्कार किया। स्मृति ईरानी ने विपक्ष को घेरा, बोली पिछली सरकारों के समय उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गुंडे घूमते थे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद जाएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता के रैली में मची भगदड़, कंबल पाने के लिए लोगों ने मचाई अफरा तफरी, कई घायल। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी, कश्मीर के ऊपरी इलाके में भी गिरी बर्फ, लोगों के चेहरे पर खिली रौनक। कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में भी हुई बर्फबारी, घर से लेकर पेड़ तक पड़े सफेद, कारों पर कई इंच मोटी बर्फ जमा। पुंछ में पीर पंजाल की पहाड़ियों की बर्फ से सफेद होने की तस्वीर सामने आई, पूरी कश्मीर घाटी में ठंड भी बढ़ी। शोपियां में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फ जमने की वजह से बंद थे कई रास्ते। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, अटल सुरंग के आसपास जमी बर्फ की सफेद परत, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बिहार में ठंड के चलते छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ्लाइट्स में हुई देरी। दिल्ली में दम घोटू हवास ने अभी निजात नहीं, बहुत खराब कैटेगरी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI है 369। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक, 18 घंटे तक चली बैठक में एसपी और एडिशनल एसपी ने दी प्रेजेंटेशन। यूपी के 1000 गांव की ड्रोन से हुई मैपिंग, केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत पूरी की गई है प्रक्रिया। पटना में दर्दनाक हादसा, बेकाबू डंपर पुलिस जीप पर पलटी, 3 पुलिस कर्मियों की गई जान, 2 घायल। हादसे में पुलिस की गाड़ी के उड़े परखच्चे गिट्टी से भरा था डंपर, पुलिस के मुताबिक ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में 10,000 का इनामी बदमाश काली, मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार, एक्सप्रेसवे कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। ऑटो चालक को गोली मारकर लूट करने के मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहा था काली गिरोह का एक गुर्गा, मौके से फरार। मुंबई के मानखुर्द पुलिस ने फुलझाए बुजुर्ग नौकर की हत्या की गुत्थी, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के शक में मर्डर आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। आरोपियों ने बुजुर्ग की बहरे में से की थी पिटाई, पीट पीट कर हत्या, ये सबूत मिटाने के लिए शव को सुनसान जगह पर फेंका, वारदात को अंजाम देकर आरोपी पत्नी और बच्चों के साथ घर से फरार हो गया था। आगरा में भगवान नगर इलाके में घर से 12 लाख की लूट, 2 बदमाशों ने फ्लैट में बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। भागते समय बदमाशों ने की फायरिंग, पिस्टल और चाकू छोड़कर भागे बदमाश, पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। जोधपुर में घरेलू विवाद में IAS की बहू ने खाया जहर, अस्पताल में हुई मौत, पिता को फोन कर पेट में दर्द बताया। असम के बोंगाई गांव में ATM से लाखों की लूट, ATM के शटर को काटकर लूटे 40 लाख रुपए, फरार लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ट्रक और टेम्पो की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। नागपुर के चिड़ियाघर में जानवरों की ट्रेनिंग, शेर चीता भालू को सिखाया शिकार करना, वन्य जीवों को एक्टिव रखने के लिए दिया टास्क। जानवरों को जंगल के माहौल में रहने के लिए किया जा रहा है तैयार, पिंजरे में छोड़े गए शिकार जानवरों में सुस्ती कम करने के लिए चलाया कार्यक्रम। मनाली के विंटर कार्निवल का दूसरा दिन, करीब 3,000 महिलाओं ने किया कुलवी लोक नृत्य। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में बर्फीले तूफान का कहर, सरकारी दफ्तर और स्कूलों को बंद करना पड़ा। भूकंप के झटके से हिला ताइवान, रिक्टर स्केल पर 6 रही भूकंप की तीव्रता। जोहान्सबर्ग टेस्ट में भारत को चटका, मोहम्मद सिराज पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते मैदान से बाहर। जोहान्सबर्ग टेस्ट के पहले दिन साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट पर 35 रन, डीन एल्गर और कीगन पीटरसन क्रीज पर। भारत की पहली पारी 202 रनों पर सिमटी, KL राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन। आशीष नेहरा बन सकते हैं IPL में अहमदाबाद टीम के कोच, टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कस्टन होंगे मैनेजर। रणजी खेलेंगे, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी, साल भर पहले चुनाव लड़ने के लिए क्रिकेट से बनाई थी दूरी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में बर्फीले तूफान का कहर, व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग के सामने कई फीट बर्फ जमा। भीषण बर्फबारी के कारण हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर पाए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, एंड्रयू एयरफोर्स बेस से कार से जाना पड़ा व्हाइट हाउस। बर्फबारी के बाद नॉर्थ कैरोलिना में भी ठंड से बुरा हाल, बिना बिजली के रह रहे हैं करीब 1.5 लाख लोग।
सऊदी अरब के तबूक शहर की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, पिछले तीन दिन से गिर रही है बर्फ। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड कोरोना केस, न्यू साउथ वेल्स में मिले 23,131 पॉजिटिव केस, अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कनाडा के सबसे बड़े राज्य ऑन्टारियो बंद किए गए स्कूल, शुरू हुए ऑनलाइन क्लासेस, जिम और सिनेमा हॉल भी किए गए बंद। अमेरिका के सिएटल में बड़ी स्कूलों की छुट्टियां, कोरोना जांच के लिए स्कूलों में लगाए गए हैं टेस्ट कैंप, बारिश और ठंड के बावजूद लगी लंबी कतार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच न्यूयॉर्क के स्कूलों में लौटे बच्चे, मेयर ने की अभिभावकों से बच्चों को स्कूल लाने की अपील। वाशिंगटन के नेशनल चिड़ियाघर में बर्फ में खेलता नजर आया पांडा, पिछले कुछ दिनों से हो रही है बारी-बारी बर्फबारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।